सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और भाई आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा खास बात है, क्योंकि भाई आज हमारे पास में है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन अभी तक का। तो यार वर्ल्ड का है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो यार चलो सबसे पहले तो यार उससे मिलते हैं, तो मैं बताता कौन सा फोन है, फिर उसको अनबॉक्स करते हैं। तो भाई अब जो वक्त हो चुका है वो हमारा हो चुका है अपने स्मार्टफोन से मिलने का। और भाई वो हमारा स्मार्टफोन ये रहा, देखो भाई। सो भाई ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, जो कि भाई हमारा 1 TB की वेरिएंट है, जिसमें 12 GB रैम है। बाकी अभी तो देखो यार, फिलहाल इसको खोलता हूँ मैं, उसके बाद इसके और स्पेसिफिकेशन बताते हैं। तो चलो पहले खोलता हूँ। तो भाई अभी तो हमने इसका पोस्टमार्टम करने के लिए उल्टा लिटा दिया है। तो यार यहाँ पे इसकी सील है, ये खोल देते हैं कटरा से। भाई भाई एक सील इधर, दूसरी सील। ओ भाई ये हमारा ओपन हो चुका है, जैसे कर लेते हैं सीधा। दिख रहा है भाई बहुत, हमारे फर्स्ट लोग हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, कवर हटा देते हैं। भाई अभी तो हमने अपना फोन का डब्बा अनबॉक्स कर दिया था, और सबसे पहले तो उसके ऊपर जो आता है देखो। तो भाई ये डब्बा था कुछ, जिसके अंदर हमें अपनी केबल मिली है चार्ज करने के लिए, लेकिन चार्जर अलग से खरीद लेना, ठीक है। और बाकी कुछ किताबें हैं जो कि हम कभी पढ़ते नहीं हैं, ना इस बार पढ़ेंगे, और शायद तुम मुझे भी कोई नहीं पढ़ता। तो कोई ना, अभी वक्त है फोन से मिलने का। तो भाई देखो यार, अभी तो ये फ़ोन ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन देखो इसके ऊपर ये कवर सा लगाया हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इसके कैमरे क्या पॉप आउट हो रहे हैं, मतलब कितने बड़े कैमरे हैं इसके, मस्त वाले भाई। तभी तो यार वर्ल्ड का नंबर 1 स्मार्टफोन है अभी तक का। कोई ना, चलो भाई इसे खोलता हूँ। देखो यहाँ से इसे खोलेंगे, और ये लो भाई हमारा सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का फर्स्ट लुक। भाई ये जो है भाई अपना ग्रीन कलर में है, और यार अभी तो मस्त लग रहा देखने में। बस अभी इसको हाथ में ले लूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ और स्पेसिफिकेशंस। सो भाई अब वक्त है अपने S23 अल्ट्रा को अपने हाथ इन हाथों में लेने का। तो भाई ये रहा अपने S23 अल्ट्रा, यार मस्त लग रहा है। चलो ओ माई गॉड भाई, सबसे पहले तो इसको ये उतार देते हैं। इसका मज़ा बहुत अलग है भाई, मैंने बहुत ऐसे कर लिए, कभी फोल्ड का कभी किसी का। और भाई ये उतर चुकी है अपनी ऊपर का प्रोटेक्टिव वाली फिल्म, इसको फेंकते साइड में, और अब इसको करते हैं सीधा। देखो ये मस्त लग रहा है भाई, और फिलहाल इसको हाथ में देखता हूँ। और भाई डब्बा यहीं पे ख़त्म हो गया, डब्बे में कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ फ़ोन है। और अब ये भाई सबसे पहले देखो, ये भाई अपना S23 अल्ट्रा, जो कि भाई 12 GB रैम है इसमें, और 1 TB का GB का स्टोरेज है, जो कि भाई हर कोई नहीं लेता है, क्योंकि आप 1 TB यानी कि 1000 GB भाई, क्योंकि हमको तो ज़रूरत है, बहुत सारी वीडियोस वगैरह सेव करेंगे, हर कोई लेता नहीं है, तो बहुत बढ़िया है। ग्रीन कलर है जो कि बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। और भाई अभी फिलहाल चलते हैं इसकी बाकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ। सो भाई अब जो है वक्त आ चुका है कि इस वक्त में हम आपको जो है S23 अल्ट्रा अपने सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में इसके कैमरा बताता हूँ। देखो तो भाई इसके कैमरा की तरफ चलें, तो भाई ये इसका मेन कैमरा है, जो कि भाई 200 MP का है, और इसी के ऊपर अपना 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और नीचे 10x जूम का कैमरा है, और इधर भी 10x ऑप्टिकल जूम का कैमरा है, जो कि भाई 10 MP का ही है। तो भाई ये कुछ इसके जो है बैक कैमरास थे, और भाई जो कि बहुत ज़्यादा देखने में मस्त है सारे के सारे, क्योंकि वो पॉप आउट हो रहे हैं जो अपनी बॉडी से, वो भी बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। और अगर हम इसके फ्रंट में चलें, तो भाई आपको फ्रंट में यहाँ पर जो है 12 MP का ऑटो फोकस कैमरा मिल जाएगा। ऑटो फोकस कैमरा भाई, क्योंकि सैमसंग ने अपने आप में एक बहुत बड़ा भी अपग्रेड किया है, ये इससे पहले इसमें देखने को नहीं मिलता था। तो भाई अब चलते हैं। और भाई एक और बात, इसमें जो है भाई 100x जूम भी आता है भाई, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये एस्ट्रो फोटोग्राफी में भी काम आता है, इसलिए भाई ये चांद वगैरह भी दिखा देता है, और एस्ट्रो फोटोग्राफी का फीचर इसमें अभी आया है, और भाई वो भी बहुत ज़्यादा मस्त है। तो भाई चलते हैं इसके बाकी थोड़े बहुत फीचर। तो भाई अगर आप अभी इस वाले कैमरे से अपनी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हो, तो सबसे पहले तो भाई वीडियोग्राफी में इसमें बहुत बड़ा अपग्रेड आया है। इससे पहले जो फोन्स थे उसमें जो है सिर्फ 8K और 24 FPS जो आपको देखने को मिलता था, और इसमें बहुत बड़ा अपग्रेड है, मतलब वो छोटा सा लेकिन वैसे बहुत बड़ा अपग्रेड है। इसमें जो है आपको 8K और 30 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो बनाने में, जो कि भाई आपकी वीडियो को बहुत बढ़िया लुक देगा। और इसमें अगर आप जो है थोड़ा सा एक्शन मोड में मतलब करोगे, एक्शन मतलब भागते तो कूदते, तो भाई इसकी जो है शेकनेस को भी जो है अच्छे से मैनेज कर लेता है, और उसको स्मूथ बनाता है। और भाई आप बात कर लेते हैं भाई इसके स्क्रीन की थोड़ा सा, तो भाई इसमें जो है आपको 120Hz का जो डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ आपके जो है फंक्शंस करता है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आपको इसको आगे पीछे दोनों जगह जो आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 देखने को मिलता है,
जो कि भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाता है, जिससे ये अगर आपसे गिर भी जाए तो ये टूटेगा नहीं। तो चलते हैं इसके बाकी और अच्छे फीचर्स की तरफ। सो भाई अब जो वक्त है आपको इसके कुछ बोनस पॉइंट्स बताने का हो गया है, लेकिन वो बोनस पॉइंट कुछ के लिए हो सकता है बोनस और कुछ के लिए नहीं, क्योंकि ये इस फोन का डिसएडवांटेज भी है। तो वही इस वाले फोन में आपको जो है सबसे पहले तो कर्व्स की देखने को मिल जाएगी भाई, लेकिन ये भाई कर्व्स की अपने आप में एक डिसएडवांटेज है। अगर आपने गलती से गिरा दिया वैसे तो टूटेगा नहीं, लेकिन अगर ये गलती से टूटी तो भाई इसकी स्क्रीन अपने आप में बहुत ज़्यादा महंगी है कि मतलब आप उसमें एक दो फोन तो ले आओगे छोटे मोटे, ठीक है। और सबसे बड़ा इसका एक बोनस पॉइंट जो है, लेकिन वो उसका एडवांटेज है भाई, इसमें आपको जो है एस पेन देखने को मिलता है, जो कि भाई जैसे बाहर आ जाएगा, ये आ गया भाई अपना एस पेन बाहर। तो भाई ये है अपना एस पेन मस्त वाला, क्योंकि भाई ये वाला जो अपने ये वाला जो फ़ोन है ये अपना नोट और एस सीरीज़ का मिला के दिया गया है, इसीलिए नोट सीरीज़ बंद हो गई तो एस पेन आपको एस सीरीज़ में देखने को मिलता है। और बाकी इससे आप अपने काम वाम मस्त वाले कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, और इससे फोटो भी क्लिक हो जाती है दूर से, जो कि भाई इसको बहुत ज़्यादा अपने आप में बढ़िया बनाता है। सो भाई अगर आप भाई कोई भी स्मार्टफोन लेते हो तो भाई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, जो कि भाई ये वाला फ़ोन बेखूबू जो है पूरी कर रहा है। लेकिन भाई आपने एक स्मार्टफोन लिया तो आपकी सेकेंड प्रायोरिटी गेमिंग तो ज़रूर से रहेगी, और भाई ये वो वाली प्रायोरिटी भी बहुत जो है बढ़िया से पूरी करता है, क्योंकि भाई इसमें जो है स्नैपड्रैगन का जनरेशन 2 दिया गया है, क्योंकि भाई मतलब इसी में लॉन्च किया गया है, वो स्पेशली जो है स्नैपड्रैगन और गैलेक्सी का जो है कोलैबोरेशन है, जो कि भाई इसी में दिया गया है। और इसमें 5000 mAh की बैटरी बनाती है, जो कि आपके गेमिंग सेशंस को बहुत लंबे टाइम तक चलने का मौका देता है। और भाई बहुत तगड़ा गेमिंग सेटअप है इसका, बहुत तगड़े ग्राफिक्स, सब कुछ बहुत बढ़िया है, इसीलिए भाई ये अपने आप में बहुत तगड़ा डिवाइस है। तो भाई इसको भी आप भाई खरीद लो यार। और बाकी छोटे मोटे फीचर्स भाई जो रह गए होंगे मैंने अभी जानबूझ के छोड़ दिए, क्योंकि यार छोटे मोटे फीचर्स तो आप गूगल वगैरह पे देख सकते हो। तो भाई यही था अपना कुछ फ़ोन, देखो लास्ट में हुआ जो कि भाई बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का है, और इसके S22 अल्ट्रा के मुकाबले जो है कैमरे ज़्यादा भार हैं और थोड़ा सा साइज़ में बिगड़ हैं, जो कि भाई उससे तो बेहतर बनाते हैं कुछ सुपर वाला मॉडल है। तो भाई फिलहाल वक्त हो गया वीडियो को कंक्लूड करने का, तो वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैंने सोचा कि भाई बोनस शॉट भी दे दिया जाए। तो भाई बोनस शॉट देखो, यहाँ हमारे पास में S21 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा दोनों हैं, जिसका शायद से अगर आप कमेंट्स में बताओ तो भाई इसका कंपैरिजन आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो भाई जरूर से कमेंट्स कर देना कि आपको इसका कंपैरिजन चाहिए या नहीं, पूरा मस्त वाला इसको जो है कंपेरिज करके दिखाएंगे। तो भाई फिलहाल वीडियो को करते हैं एंड, और भाई अगर आपको ऐसी और वीडियोज चाहिए हो या जो भी कॉन्टेंट चाहिए आप कमेंट में बता देना। तो भाई जो भी वीडियो पर नया आया है वो वीडियो का लाइक करना सबसे पहले, तो और भाई चैनल को करना सब्सक्राइब ऐसी मस्त वीडियोज और ब्लॉग्स के लिए। तो भाई मिलते हैं ऐसी किसी बड़े से वीडियो में, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग कीप वॉचिंग बाय मंगल व्लॉग्स, बाय बाय। 1 2 3 4 के माय डार्लिंग आई लव यू आई लव यू आई लव यू।